आगरा और मिर्जापुर में ट्रेन के भीतर आग लगने की घटना के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया है। यही वजह है कि अब तक कुल 80 ट्रेनों में गहन तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि ट्रेन के भीतर एक्सप्लोजिव या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। यही वजह है कि उत्तर मध्य रेलवे ने छठ पूजा के लिए 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं अभिषेक पांडे, प्रयागराज। घटनाएं हुई हैं ट्रेनों में आग को लेकर, इटावा में ही घटनाएं हुई है, मिर्जापुर में हुई, उसको लेकर किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या मेजर्स उठाए गए? देखिए, हम लोग पहले से ही इस मामले में एक्टिव हैं और हमारी एक स्पेशल ड्राइव चल रही है फायर प्रिवेंशन को लेकर, जिसमें 3 प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं। पहला अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं विभिन्न स्टेशनों पर, लगभग 40 के आसपास स्टेशन हैं जहां पर अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को काउंसिल किया जा रहा है कि कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स लेके न चलें, कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ लेके न चलें जिससे कि आग फैलने का खतरा हो। इसके अलावा लोगों को पर्सनली बात करके भी अवेयर किया जा रहा है, जैसे पार्सल लीज होल्डर, लगभग 28 पार्सल लीज होल्डर्स से, पार्सल पोर्टर्स से बात की जा चुकी है, 13 लीज होल्डर्स से हम लोगों ने काउंसलिंग किया है। इसके अलावा 13 कैटरिंग स्टाफ, 13 पोर्टर, 21 पेंट्री कार के स्टाफ से और 380 से ज़्यादा पैसेंजर्स से अभी तक हम लोगों ने काउंसलिंग किया उन लोगों की, ताकि वो लोग इस संदर्भ में थोड़ी संवेदनशीलता बरतें। बात करें लीगल प्रोविज़न की, तो कल की ही डेट में, कल से ड्राइव लॉन्च हुई और कल की डेट में ही 79 ट्रेन्स चेक हो चुकी हैं और उसमें से 79 ट्रेन्स के अलावा 54 स्टेशनों पर भी ये ड्राइव चलाई गई है पूरे उत्तर मध्य रेलवे में, ताकि लोगों को रैंडम चेक करके इस तरह का कोई एक्सप्लोसिव गुड, ज्वलनशील पदार्थ लोग लेके जाएं तो उन पर एक्शन लिया जा सके। अभी तक 9 लोगों पर रेलवे के 167 एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और ये ड्राइव आज भी जारी है। और अंत में मेरा सभी से, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है, जो भी हमारे सम्मानित यात्री यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे आग लग सकती है या कोई हादसा हो सकता है, उसे लेकर ट्रैवल न करें। अच्छा, इटावा के समीप जो दुर्घटना हुई थी अग्निकांड की, क्लोन ट्रेन में, दरभंगा कोल ट्रेन में, उसमें क्या कोई जांच बैठाई गई है? जी, उसकी का जांच मुख्य संरक्षा आयुक्त, चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, वो कर रहे हैं CCRS, और आज ही वो जांच इटावा में आज से प्रारंभ हो गई है। उसमें जो भी स्टैचूटरी रिक्वायरमेंट हैं वो हर एंगल से जांच होगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इसमें मदद ले रहे हैं हम लोग, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी, फॉरेंसिक टीम की भी, ताकि उचित तकनीकी विवेचना हो कि हम लोग निष्कर्ष तक पहुँच सकें। और ये हमारे लिए एक सबक होगा कि इसके रिजल्ट के बाद, हम निष्कर्ष के बाद, ये जांच के बाद रिपोर्ट सामने आएगी तो हम ये इसमें एक सबक होगा हमारे लिए कि हम क्या आगे मेजर लें, क्या आगे सावधानी बरतें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कब तक रिपोर्ट इसमें? अब ये तो शीघ्रातिशीघ्र आएगी, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक जाँच भी होती है, तमाम साक्ष्यों की तकनीकी पड़ताल होती है, लेकिन जांच की रिपोर्ट जब भी आए, हम लोग इस बात पर पूरा जोर रहता है हम लोगों का कि तकनीकी रूप से पूरी तरह से हर पहलू का जांच करें। अभी तक इसमें कोई जानकारी HOE लाइन से कहीं से क्या हुआ? देखिए, इसमें कई प्रकार के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी कुछ भी कहना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदार संस्था इस पर जाँच कर रही है, तो हमारा इस पर कुछ भी अंदाज लगाना ये जल्दीबाजी होगी। ये फायर इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं ट्रेनों में इस तरह? ये जी हाँ, अभी NCR के लगभग सारे जनरल और स्लीपर कोचेस में भी फायर इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। ये काम शुरू हो चुका है, पहले से शुरू हो चुका है और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं हिमांशु बडोनी, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज, रेल यात्रियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि रेल में यात्रा करते समय या रेल परिसर में प्रवेश करते समय अपने साथ किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर, लाइटर, माचिस इत्यादि न लाएं, और साथ ही रेल परिसर में कभी भी या रेल में ट्रैवल करते समय कभी भी धूम्रपान न करें। यह एक दंडनीय अपराध तो है ही, साथ में यह हम लोगों की स्वयं की संरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी हादसे को जन्म दे सकता है। हम रेल में हमेशा सजग हैं और लगातार पेट्रोलिंग भी करते हैं और चेक्स भी करते हैं, लेकिन आम जनता का सहयोग इस दिशा में अलग ही मायने रखता है। यदि सब
रेल के यात्री हम लोगों का साथ देंगे तो हम रेल द्वारा उनकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद।